पंजाब के उपमुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल आज अमृतसर पहुंचे, जहां सुबह उन्होंने हरिमंदर साहिब में मत्था टेका। दिल्ली में जारी बीजेपी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन, पंजाब समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन। डायरेक्ट विद दिनेश में एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ की तरफ से केजरीवाल पर किए गए वार पर पंजाब आम आदमी पार्टी के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने पलटवार किया। आम आदमी पार्टी नेता सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जत्थेदार अवतार सिंह मक्कड़ से हजार गुना ज्यादा समझदार हैं। डायरेक्ट विद दिनेश में एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने सीएम केजरीवाल की पंजाब मुद्दों को समझने की काबिलियत पर सवाल उठाए। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई। इसमें पंजाब इकाई के अध्यक्ष कमल शर्मा ने भी शिरकत की। बीजेपी अपने दो सालों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना चाहती है। इसकी जिम्मेदारी उसने प्रदेश इकाइयों को सौंपी है। दिल्ली में हुई बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में आला कमान ने प्रदेश अध्यक्षों को जिम्मा दिया है कि वो गांवों और किसान तक उपयोगी नीतियों का हवाला लेकर जाए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह को लुधियाना के सीजीएम ने जारी किया समन। आयकर विभाग की शिकायत पर 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के आदेश। विभाग ने रणिंदर पर झूठी जानकारी देने का लगाया आरोप। आयकर विभाग के मुताबिक रणिंदर सिंह ने विभाग को दो बार जानबूझकर झूठी जानकारी दी और कहा था कि वो किसी भी विदेशी संपत्ति के लाभार्थी नहीं है। विभाग ने आरोप लगाया कि विभाग के पास कई पुख्ता सबूत है कि रणिंदर ने ना सिर्फ झूठ बोला बल्कि गलत बयानबाजी की। हालांकि रणिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें अदालती आदेश की जानकारी नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि उन्हें सभी आरोपों से क्लीन चिट मिलेगी। पंजाब हरियाणा के बीच SYL का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पंजाब से अपने हिस्से का पानी मांगकर नई बहस छेड़ दी है। उमर ने फिन डैम में सालों से लटके पंजाब जम्मू कश्मीर के समझौते को जल्द लागू करने की मांग की। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि तीन डैम के लिए जम्मू कश्मीर ने भी जमीन दी थी, इसलिए उन्हें भी डैम से पानी और बिजली मिलना चाहिए। हालांकि सालों पुराने इस समझौते को अमल में नहीं लाया गया। अकाली दल का कहना है कि पंजाब के पास फालतू पानी नहीं है, लिहाजा पंजाब किसी और राज्य को पानी नहीं दे सकता। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव की तैयारियों को लेकर सीएम सरदार प्रकाश सिंह बादल ने की उच्च स्तरीय बैठक। 2017 में 1 से 5 जनवरी तक होने वाले समारोह के लिए पटना के गांधी ग्राउंड में विशाल पंडाल बनाने की दी मंजूरी। पटना में गांधी मैदान पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में मुख्यमंत्री ने SGPC अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ से जानकारी हासिल की। साथ ही उन्होंने SGPC अध्यक्ष से श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए किए गए प्रबंधों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके को श्रद्धालुओं को पटना ले जाने के लिए पंजाब से 4 और दिल्ली से 2 स्पेशल ट्रेनों का प्रबंध करने की जिम्मेदारी सौंपी। नगाड़ों की गूंज से श्री आनंदपुर साहिब में मनाए जाने वाले होला मोहल्ला समागम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर विशेष कीर्तन समागम करवाए गए, जिन्हें बड़ी गिनती में इन समागमों में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। अकाली सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 19 मार्च से 24 मार्च तक नखिया टोल प्लाजा भी फ्री कर दिया गया है। और इस बार 35 लाख के करीब श्रद्धालुओं के होला मोहल्ला के मौके पर श्री आनंदपुर साहिब पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन की तरफ से इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। अबोहर भीमटांग हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार में पुलिस कार्रवाई को लेकर लगातार असंतोष बना हुआ है। शनिवार को कोर्ट में आरोपियों की पेशी के दौरान भीमटांग के परिवार ने अबोहर के SP दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन किया।
ये लोग भीमटाक के हत्यारों को सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ पुलिस इस मामले के सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर रही है, दूसरी तरफ भीमटाक का परिवार मुख्य आरोपी शिवलाल डोडा और राजेंद्र राजा के खिलाफ चालान ना पेश करने से गुस्से में। भीमटांग हत्या मामले के सभी आरोपी एक बार फिर अबोहर की अदालत में पेश हुए, जिनमें मामले के मुख्य आरोपी शिवलाल डोडा और राजेंद्र राजा भी शामिल थे। लेकिन दोनों मुख्य आरोपियों के अलावा जिन 24 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चालान पेश किया था, उन्हें चालान की कॉपी सौंप दी गई। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत जियानी ने कल फाजिलका के गांव जटवाली में 50 बिस्तर के पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, पंजाब को एक नशा मुक्त राज्य बनाना ही पंजाब सरकार का लक्ष्य है। नशा मुक्ति केंद्र पर 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उद्घाटन करने आए स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को संबोधन किया। उन्होंने कहा कि नशे के नाम से विरोधी पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे की बीमारी से पीड़ित लोगों का न केवल इलाज किया जाएगा, बल्कि उनके पुनर्वास के लिए भी राज्य भर में 22 पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं। तरनतारन पुलिस 2 महिलाओं को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया पुलिस ने, और हालांकि इस दौरान इनके 2 साथी फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस की तलाश जारी है। अमृतसर कोर्ट में पेशी के दौरान जालंधर से अमृतसर लाए गए 2 कैदी फरार हो गए। पुलिस के अधिकारियों को जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर दोनों भाग गए। अमृतसर कोर्ट में 2 कैदियों गुरबेज सिंह और विनोद कुमार जालंधर की जेल से पेशी पर उनको लाया जा रहा था, और पेशी के बाद खाने के लिए वो रास्ते में रुक गए। पुलिस के मुताबिक उनको कोई नशीली चीज पिलाई गई और वो बेहोश हो गए। हालांकि एक कैदी वरिंदर कुमार को गिरफ्तार कर दिया गया। पठानकोट में शनिवार को तेज तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई, इसका सीधा असर गेहूं की फसल पर पड़ा। कई एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। पठानकोट और गुरदासपुर के कई हिस्सों में शनिवार सुबह ही तेज बारिश के साथ ओले पड़े। ज्यादातर गेहूं की फसल पक चुकी है और फसल कटने के कगार पर है। अब किसान अपनी बिछी फसल को देखकर परेशान है।